नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। जीवन में हर कदम पर व्यक्ति को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई समस्याएं व्यक्ति के जीवन में तनाव उत्पन्न कर देती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपायों का जिक्र किया गया है। इन उपायों को करने से जहाँ व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं, वहीं जीवन को आसान बनाने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आप घर से बाहर किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं और उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा होने की कामना करते हैं, तो घर से निकलने से पहले उस दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इस दिन श्री गणेश को धूप, दीप, फूल, दुर्वा आदि अर्पित करें। साथ ही गुड़, धनिया का प्रसाद बनाकर अर्पित करें। इतना ही नहीं, इसके बाद गणेश जी के सामने बैठकर पन्ना या हरे हकीक की माला से ओम गण गणपते नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें। साथ ही जब घर से निकलने वाले हो तब गणेश जी को चढ़ाई हुई दुर्वा में से थोड़ी सी दुर्वा अपनी जेब में रख लें। ये उपाय करने से आपके सभी काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे और सभी कार्य ठीक से पूरे होंगे। अगर नौकरी के कारण आपका भी तबादला हो गया है और आप भी अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए भी एक उपाय के बारे में बताया गया है। इसके लिए शुक्रवार के दिन चंद्रमा दिखने पर सफेद बर्फी या दही 7 बार अपने ऊपर से वार लें। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे चंद्रदेव, मेरा तबादला अमुक स्थान पर करवाने की कृपा करें। अमुक स्थान की जगह आपको उस जगह का नाम लेना है जहाँ आपको अपना तबादला कराना है, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं पे भी। बता दें कि ये क्रिया आपको 7 बार करनी है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बर्फी और दही सूर्योदय से पहले ही किसी चौराहे पर रख दें। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा जिस दिशा में हो आपको अपना मुख उसी ओर रखना है। ये क्रिया छत पर खुले में ही करें। कार्य पूर्ण होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें, अर्घ्य दें और सफेद बर्फी या खीर का भोग लगाएं। वहीं अगर पति पत्नी में नोकझोंक चलती रहती है तो इसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय का जिक्र किया गया है। इसके लिए भी जब पति गहरी नींद में सोए तो एक नारियल, 7 गोमती चक्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर इन सभी सामग्री को एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इस पोटली को पति के ऊपर से 7 बार उबार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से जल्द लाभ होगा। इसके साथ ही नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने से भी आपको लाभ होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।